केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक केन बेतवा लिंक परियोजना पर जल्द काम शुरू किया जाएगा और उसके लिए एक स्पेशल कंपनी गठित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत केन नदी से बेतवा नदी में पानी भेजा जाएगा। इसके लिए पन्ना जिले में दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। इससे 221 किलोमीटर लंबी संपर्क नहर निकाली जाएगी जो झांसी के निकट बरुआ में बेतवा नदी को जल उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना से प्रदेश के बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 12 जिलों को पानी मिलेगा। प्रदेश में छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ के साथ ही सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी जिलों को पानी मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों को राहत मिलेगी। इससे 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में साल भर सिंचाई हो सकेगी। 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति संभव होगी और 103 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। आपको बता दें कि विवादों के कारण करीब 1.5 दशक से लंबित केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर सरकार जल्द काम शुरू करने की अब तैयारी कर रही है। बेतवा का एक बड़ा सपना जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि नवंबर में शायद हो सकता है कि दिखाई भी देगा, तो क्या वो तारीख सामने आ रही? एक बहुत गंभीर प्रश्न आपने किया है। ये मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति में एक नींव का पत्थर ये योजना केन बेतवा साबित होगी। एक मध्य प्रदेश का एक भाग बुंदेलखंड जो कि हमेशा से जल के अभाव में, पानी के अभाव में, सिंचाई के अभाव में और पीने का पानी, केन बेतवा एक राष्ट्रीय परियोजना है। इसकी बुनियाद, इसका सोच, इसका संकल्प देश के राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का था, नदियों को जोड़ने का, ये उसी की बुनियाद है। और बड़ी सफलता मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रयास, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी और योगी जी का प्रयास और केंद्रीय मंत्री जल संसाधन मंत्री शेखावत जी का प्रयास और उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का आशीष, उसी का नतीजा सकारात्मक केन बेतवा का नतीजा आने वाला है। जिस दिन यह नतीजा आ जाएगा तो बुंदेलखंड का एक नया स्वरूप दिखेगा, क्योंकि 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 62 लाख लोगों को पीने का जल शुद्ध मिलेगा।